5-2. इसके कोई सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कोई जवाब पड़ा हुआ तस्वर किया जाए, अल्लाह के इसमें वाशुक शामिल हो। जनाब स्पीकर साहब, माली साल 2019-20 की PSDP में इरिगेशन सेक्टर से मुतालिक ये जो रखे हैं 271 स्कीम जनाब स्पीकर साहब रखे हैं, इनमें से 2019-20 में 164 मंसूबों की मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें देखें आवारा, बारकान, लसबेला, चागे, डेरा बुगटी, जनाब स्पीकर साहब इसमें फिर वाशुक नहीं है, इसमें क्या गुनाह किया है साहब? आखिर क्या वजह है इस लोगों ने, ये डिस्ट्रिक्ट ने आप लोगों को क्या किया हुआ है? खुदा रहा वहां पे इरिगेशन में बड़े बड़े तंग की जरूरत ही है जनाब स्पीकर साहब। आपकी येरान, आपका पंजगूर, रक्षान, सारे पानी आपके तंग की जरूरत ही में आता है। अगर वो तकरीबन 20-30 अरब का अगर वफाक हो जाए या सूबा हो जाए, अगर उसको इरिगेशन के मद में करे बड़े फायदा इलाके में बड़े इज्तमाही काम आवेंगे। मगर आप अंदाजा लगाएं ये इसमें से एक नाम भी डिस्ट्रिक्ट में से एक भी नहीं इरिगेशन के मद में। आप बता दें जनाब स्पीकर साहब, आज से पूछें आपने आखिर किधर है फाइनेंस मिनिस्टर साहब? तो चले गए, वो भी यहाँ पे बैठने जनाब स्पीकर साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो जवाब से बड़े मुतमैन है, लेकिन वाशुक नहीं है। वाशुक का मैं फिर अपना वही जवाब दोबारा दोहराऊंगा जो पहले मैंने किया है। नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह ताला पूरा ऐवान मिलकर 3 साल गुजर गया जनाब स्पीकर साहब, 3 साल गुजर गया और कब तक रहेंगे? अभी साल में इंशाल्लाह ताला शामिल किए जाएंगे गवर्नमेंट रहेगी इसमें। देखिए कोई भी फिजिबल प्रोजेक्ट हो तो उस पर नजरसानी करें और गवर्नमेंट उस पर देखे, वाशिक को नजरअंदाज नहीं करें जनाब स्पीकर जी। जनाब स्पीकर उन्होंने कहा है कि 2090 मिलियन जारी किए जा चुके हैं इन मंसूबों के लिए। जनाब स्पीकर क्वेटा जो पानी का बहुत यहाँ शिद्दत किल्लत इतनी ज़्यादा है कि हम 1200 फुट नीचे से पानी निकाल रहे हैं। हमारे दोस्तों ने हुकूमत ने क्वेटा के लिए महज 36 मिलियन रखे हैं, इतनी कम रकम। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना? नहीं, ये देखो ये 2 साल के प्रोजेक्ट है, 36 मिलियन है। ये आप क्या दे रहे हैं कि क्वेटा के यहाँ 50 लाख आबादी रहती है, आप भी क्वेटा में रहते हो, सब क्वेटा में रहते हैं, लेकिन किसी को गम नहीं है क्वेटा का कि हमने इसके पानी का क्या करना है। क्वेटा में पानी की इतनी शिद्दत किल्लत इतनी ज्यादा है कि 1200 फुट से हम नीचे निकाल रहे हैं, सारा आपका ट्यूबवेल जो है ना वो खत्म हो रहे, पानी नहीं है। ठीक हो जी मिनिस्टर, PND इतना आसान नहीं है आपको। जनाब स्पीकर साहब ऑलरेडी बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं तो वहाँ से इंशाल्लाह ताला पानी मिलेगा। ये जो है ये मेरे ख्याल में ये जो 36 मिलियन है ये छोटे स्कीम। देखो वो PHE डिपार्टमेंट के साथ है। मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे दूँ। वैसे इसको तंग कर रहे हैं ये जो इस साल के हैं ये छोटे स्कीम आते हैं ये उसके मत क्यूडी उसके पास नहीं है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कोटा में उसके काम हो रहे हैं जो जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पानी का मसला इंशाल्लाह ताला कोटा का देरीना है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये शहर सबका है हमारा, तो कोटा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है। तो कोटा के जो हमारे MPs हैं, जेरे साहब को भी पता है कि काफी काम ये गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो मानेंगे नहीं क्योंकि बस वो अपोजिशन में है। जी शुक्रिया सलीम साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये सलीम साहब हमारे जवाबों को सही तरह सवालों को जवाब दे नहीं सकते, इसको डेफर किया जाए अगले में। नहीं मिनिस्टर फुल तैयारी की है जनाब स्पीकर साहब, नहीं किया। रिलेटेड जवाब तो आ गए ना, अभी उसमें कमी बेशियां जी तो है ना, अभी डेफर तो नहीं हो सकता। वैसे देखिए आगे जो बंदा बोलने वाला होगा ना वो तसल्ली भी नहीं है, फिर भी तसल्ली दे रहा है अगले साल इंशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ बेहतर कर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एदा बारगा नबी